बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षा 2019। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नमस्कार, मैं जुलेखा, आप देख रहे भारत लाइव। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रातों रात महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल के पीछे कौन, यह प्रश्न बड़ी तेजी से भारतीय राजनीति में ट्रेंड करने लगा है। इस पूरे प्रकरण में जहां एक तरफ भाजपा अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह के चाणक्य नीति की चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार को खेल का खलनायक माना जा रहा है। रात के 10 बजे तक शरद पवार और उद्धव ठाकरे की खूब चर्चा हो रही थी, पर सुबह होते ही अचानक गेम पलट गया। एक और नाम सुर्खियों में आ गया है, अजीत पवार का, जिनकी ताजा पहचान महाराष्ट्र की नई सरकार में उप मुख्यमंत्री की है। आपको बता दें कि अजीत पवार की सिर्फ इतनी ही पहचान नहीं है, बल्कि उनकी एक और पहचान भी है। महाराष्ट्र के सबसे शक्तिशाली नेता शरद पवार का भतीजा होने की महाराष्ट्र की बारामती सीट से पिछले 52 साल में यहां से विधायक की कुर्सी पर सिर्फ दो ही लोग बैठे हैं, और वो दोनों पवार परिवार से ही आते हैं। अजीत पवार भी इनमें से एक हैं, जो एनसीपी विधायक दल के नेता भी हैं। आपको बता दें कि अजीत पवार कौन हैं और इनकी पृष्ठभूमि क्या है। अजीत का जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हुआ। अजीत एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव पवार के पुत्र हैं। अजीत पवार के पिता का संबंध सिनेमा जगत से रहा, वो भी शांताराम के राजकमल स्टूडियो में काम करते थे। वहीं अजीत पवार अपने चाचा के नक्शे कदम पर चलते हुए राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने लगे। राजनीति में वह एक राजनेता से आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। वह अपने चाहने वाले और जनता के बीच दादा के रूप में लोकप्रिय हैं। अजीत पवार सुबह सवेरे सुर्खियों में तब आए जब उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री का शपथ ले लिया। आपको बता दें कि 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अजीत पवार ने अपनी परिवार के पारंपरिक सीट, जिसकी चर्चा हमने पहले की थी, बारामती सीट से 1,65,265 मतों के बड़े अंतर से जीत दर्ज किए हैं। अजीत पहले भी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वहीं आपको एक बात और बता दें कि अजीत पवार पर सिंचाई घोटाले के आरोप लगे थे, उसके बाद उन्हें डिप्टी सीएम का पद छोड़ना पड़ा था। इसके साथ ही इस साल सितंबर में प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र का कॉरपोरेशन बैंक से जुड़े घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, इसमें भी अजीत पवार का नाम शामिल है। जैसा कि भारत लाइफ ने आपको बताया, सातवीं बार अपने पारिवारिक सीट बारामती से जीत दर्ज किया है अजीत पवार ने। पवार के साथ विवादों का पुराना नाता रहा है। अजीत पवार का सिंचाई को लेकर दिया गया बयान पेशाब से बांध भरने को लेकर बुरी तरह घिरे थे। 7 अप्रैल 2013 को आया अजीत पवार का यह बयान बेहद चर्चा में रहा। पुणे के पास इंदापुर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था, अगर बांध में पानी नहीं है तो क्या पेशाब करके भरे। अजीत के इस बयान की महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश भर में निंदा हुई। बाद में खुद ही अजीत पवार ने इसके लिए माफी मांगी थी, कहा था कि ये उनके जीवन के सबसे बड़ी गलती है। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र की जनता से वादा करता हूँ कि भविष्य में कोई भी गलती दोबारा नहीं करूँगा। इसके बाद भी 2014 के लोकसभा चुनाव में उन पर वोटरों को धमकाने का गंभीर आरोप लगा था। शरद पवार की पुत्री सुप्रिया सुले के पंख में वोट देने की ग्रामीणों को धमकाने का मामला जुड़ा था। अब देखने वाली बात यह होगी कि अचानक से चाचा शरद पवार से रातों रात विद्रोह कर विधायकों का तोड़ खुद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने वाले अजीत पवार भाजपा के साथ स्थायी सरकार देते हैं या बीजेपी की किरकिरी कराते हैं। और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ भारत लाइफ पर। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली,
9386816700। धन्यवाद।